अगर आपके बच्चे की ये पहली सर्दी है तो आपने तो ये जरूर सुना होगा कि बच्चे को जो है सर्दी से बचा के रखना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे की जो है ये पहली सर्दी है और बच्चा जो है अभी बहुत ज़्यादा कोमल है, और अगर ज़रा सी ठंड बच्चे को लग जाए तो बच्चे को जो है सर्दी खांसी जुकाम इन सब से जो है परेशानी हो सकती है। मैं आज जो बात आपको बताने वाली हूँ उन सभी पेरेंट्स के लिए हैं जिनके बच्चों की ये पहली सर्दी है। आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। और एक जो बहुत से पेरेंट्स गलती कर जाते हैं वो ये है कि बच्चों की जो है ठंड में मसाज ही नहीं करते हैं, तो आपको बेबी का मसाज जो है रेगुलरली करना है। मसाज करने से देखिए होगा क्या, मसाज करने से एक तो बेबी जो है ठंड से प्रोटेक्ट होगा अगर आप सही तेल का यूज़ कर रहे हैं तो सही तेल क्या है आप मैंने इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दिया है, ठंड में आप वही तेल जरूर यूज़ करिए। तो अब हम चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ कि बेबी का मसाज क्यों करना है। एक तो बेबी का मसाज करेंगे तो बेबी की जो है एक्टिविटी बनी रहेगी, बेबी को कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं होगी, बेबी का जो है ग्रोथ अच्छा होगा और बेबी का वेट गेन में भी हेल्प मिलेगा। अगर आप इनकेस नहीं मसाज कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है आपका, तो आपको क्या करना है कि बेबी के हाथ के मतलब ये जो हथेलियाँ हैं हाथों की, पैरों के तलुओं की और कमर की और पेट की मसाज आपको ज़रूर देनी है, ताकि इससे जो है बेबी जरूर रिलीव रहे। तो आपको नंबर वन ये ज़रूर फॉलो करें। नंबर दो जो अक्सर लोग गलती करते हैं वो ये कि ठंड में जो है बच्चे को लोग ज़्यादातर धूप में लेके बैठ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। आपको बच्चे को धूप दिखानी है, लेकिन कौन सी धूप दिखानी है, जो सुबह की 6 बजे से लेके 9 बजे की धूप होती है ना, आपको वो दिखानी है। लेकिन आपको वो धूप भी 15 से 20 मिनट या आधे घंटे तक दिखा सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है वो ये कि जो सूरज की रोशनी है ना वो बच्चे पे डायरेक्टली नहीं आनी चाहिए, धूप में नहीं रखना है एंड दूसरे की 15 से 20 मिनट ही रखना है। तीसरी चीज़ है वो ये है कि बहुत से पेरेंट्स क्या करते हैं बच्चे को बहुत ज़्यादा कपड़ा पहना देते हैं, आपको ये गलती नहीं करनी। आपको बच्चे को ज़्यादा मोटा कपड़ा नहीं पहनाना है, आपको बच्चे को जो है कपड़े लेयर्स में पहनाने हैं। लेयर्स का मतलब आपको जैसे बच्चे को आपने एक कपड़े पहनाए उसके ऊपर दूसरा हल्का मोटा डाल दिया कपड़ा, उसके ऊपर हल्का तीसरा डाल दिया, जैसे जैसे ठंड हो उसके अकॉर्डिंग आप कपड़े पहना सकते हैं। इससे होगा ये कि जैसे अगर मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर जाते हैं या किसी रिलेटिव के पास जाते हैं और अगर थोड़ी गर्मी होती है तो आप बच्चे का एक लेयर कपड़ा उतार भी सकते हैं। अगर आपने एक ही बार बहुत मोटा कपड़ा पहना दिया तो इससे बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है और वो इरिटेट रहता है। एंड इसी में नेक्स्ट चीज़ ये कि आपको बच्चे को कपड़े कितने पहनाने हैं ये भी बहुत मैटर रखता है, तो आपको उतना ही कपड़ा पहनाना है। अगर मान लीजिए कि आपने ठंड में 2 लेयर के कपड़े पहने हैं तो आपको अपने कपड़े से 1 लेयर एक्स्ट्रा बेबी को कपड़े पहनाने हैं। अगर आपने 2 लेयर पहने हैं तो आप अपने बेबी को 3 लेयर पहना सकते हैं। एंड नेक्स्ट इसी में ये कि आप जब भी बेबी को कपड़े पहनाएं ठंड में तो सबसे पहले जो है बेबी को कुछ कॉटन का पहनाइए कपड़ा, उसके बाद जो है आप विंटर के कपड़े बेबी को पहना सकते हैं। इससे जो है बेबी को कुछ भी एलर्जी वगैरह नहीं होगी और इसके साथ जो है बेबी कम्फर्टेबल भी रहेगा। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि आपको जो है अपने बच्चे को मेनली जगह से प्रोटेक्ट करके रखना है, जैसे कि बेबीज़ के पैर, बेबी का चेस्ट, बेबी का सर, बेबी के कान, ये जो 4 चीज़ें हैं मोस्टली जो है बच्चे को यहीं से ठंड लगती है, तो आपको ये 4 चीज़ को जो है कवर करके रखना है। अगर आप इन केस बाहर जाते हैं या वैक्सीनेशन कराने जाते हैं बच्चे का तो आपको ध्यान रखना है कि ये 4 चीज़ें जो है अच्छे से कवर होनी चाहिए, जिससे बच्चे प्रोटेक्ट रहेंगे और बच्चे को जो है ठंड नहीं लगेगा जल्दी। और जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो ये होती है कि अगर इनकेस आपके बच्चे को जो है अगर साथ सर्दी है, खांसी है, जुखाम है, तो आपको जो है डॉक्टर से ही एडवाइस लेके आपको अपने बच्चे को दवा देनी है। आपको ये नहीं करना है कि किसी ने एडवाइस दे दिया आपको और आप जो है सेम डोज उनकी बेबी की जो सेम डोज है वो आप अपने बेबी को दे दें। तो देखिए हर बच्चा अलग होता है, बच्चे का वेट अलग होता है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो भी अलग होती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके बाद ही आप अपने बच्चे को दवा वगैरह दें। एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने बच्चे को पानी पिलाते हैं तो पानी जो है आपको गुनगुना देना है, ज़्यादा ठंडा पानी नहीं देना है, इससे भी बच्चे को जो है खांसी सर्दी जुकाम हो सकता है, और ज़्यादा गर्म भी नहीं देना है। तो आप पानी पिलाने से पहले अपने हाथों के ऊपर यहाँ पे पैच टेस्ट जरूर कर लें, उसके बाद आप अपने बेबी को पानी पिलाएं।
एंड जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि अगर आप अपने बेबी को नहला रहे हैं, शावर दे रहे हैं, तो आपको जो है कोशिश करना है कि जब भी सूरज की रोशनी निकल जाए, यानी कि जब धूप हो उस टाइम आप अपने बच्चे को शावर दे। इससे ये होता है कि वो जो टाइमिंग रहता है ना, जो थोड़ा हीट का टाइमिंग रहता है, उस टाइम पे बच्चे को ठंड लगने के चांसेस कम रहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सुबह बच्चे को नहलाते हैं या फिर आप शाम में बच्चे को नहलाते हैं, तो उस टाइम पे जो है खांसी सर्दी जुकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और बच्चे जो है बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। तो आपको ये दोनों टाइम को अवॉइड करके आपको ये देखना है कि आपको जो है बेबी को जब भी शावर देना है तो आप जो है दोपहर के टाइम में दे सकते हैं, यानी कि 12 से 3 के बीच आप जो है इजिली दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट चीज़ कि आपको डेली बेबी को शावर नहीं देना है, आप जो है 1 दिन या 2 दिन का गैप करके आप बेबी को नहला सकते हैं। अगर आप डेली भी नहलाएंगे बच्चे को, तो इससे भी जो है सर्दी जुकाम खांसी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एंड इसी के साथ ये कि आप जब भी बेबी को नहलाएं, तो आपको जो है बेबी को कोई ना कोई ऑयल, जैसे आप बेबी को मसाज करते हैं, वो ऑयल ज़रूर लगाना है। एंड आपको बच्चे का सर कवर करके ज़रूर रखना है। तो ये थी गाइज आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक टिप्स, जिसे आप फॉलो करके अपने बच्चे को ठंड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बस उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का लाइक। और इसी के साथ मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।